सैफ अली खान हिंदी फिल्मों के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर। सोशल मीडिया पर इनकी भयंकर ट्रोलिंग चल रही है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी के कुछ शब्द नहीं पता हैं। सैफ कॉफी विद करण में अपनी माँ शर्मिला टैगोर के साथ पहुंचे। इसी एपिसोड के फेर में जनता उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रही है क्योंकि सैफ हिंदी भाषा के एक शब्द का मतलब नहीं बता पाए। आइए बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। कॉफी विद करण के इस एपिसोड में सैफ और शर्मिला काफी खुलकर बातचीत कर रहे थे, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ पर। शर्मिला ने सैफ अली खान के कई पुराने किस्से सुनाए। माँ और बेटे के रिश्ते पर बात करते हुए शर्मिला ने पुत्र मोह शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बस यहीं सैफ फंस गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने शर्मिला से पूछा कि क्या वो बंगाली में बात कर रही हैं, तो शर्मिला ने उनके कान खींचते हुए कहा कि सैफ हिंदी के एक्टर हैं, ऐसे में उन्हें पुत्र मोह शब्द का मतलब पता होना चाहिए। मगर सैफ फिर भी कुछ नहीं समझ पाए। करण जौहर भी पुत्र मोह का मतलब नहीं बता पाए। शर्मिला फिर उन्हें बताती है कि पुत्र मतलब बेटा, मुंह मतलब लगाव या अटैचमेंट। उनकी बातचीत का यही वाला हिस्सा, यही वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग सैफ का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें भला बुरा भी कह रहे हैं। देव मिश्रा नाम के एक यूजर ने कहा, दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हिंदी में फिल्में बनाते हैं और उसमें एक्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं जो हिंदी को अच्छे से बोलते और समझते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक ने लिखा, बिना मतलब समझे डायलॉग्स बोलते हैं मूवी में, बताओ आज पता चला। एक यूजर ने लिखा, इस मोह मोह के धागे को नेशनल अवार्ड भी मिला है। एक ने तो नई जनरेशन के एक्टर्स को ही बेकार बता दिया, लिखा पुराने हिंदी कलाकार ज्यादा अच्छी हिंदी जानते थे। ये नई जनरेशन के स्टार किड्स अपने सपने में भी इंग्लिश में बातें करते हैं। एक भाई साहब लिखते हैं, वो लोग हिंदी जानना इसलिए एक्नॉलेज नहीं करते क्योंकि ये बहुत मिडिल क्लास है। करण जौहर दो दशकों तक हिंदी सिनेमा में काम करने के बावजूद इतने फेक हैं, सैफ से तो बंगाली जानने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। और ये लोग रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज हैं। एक ने कहा, क्या बकवास है, ये लोग बस इसलिए हिंदी नहीं समझने का नाटक करते हैं क्योंकि हिंदी नहीं आना इन्हें बहुत कूल लगता है। फिर भी इनकी जिंदगी हिंदी भाषा की फिल्में करके ही चल रही है। एक ने लिखा, करीना और आलिया वाले एपिसोड में वो दोनों ननद और भाभी कौन होती हैं इस पर चर्चा करनी थी। 20 से 30 साल हो गए फिल्म बनाते, अभी तक ये नहीं पता ननद भाभी कौन होती है। ये जानबूझकर बेवकूफ होने का नाटक करते हैं। मगर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किसी की भाषा को किसी के ऊपर थोपना ठीक नहीं है। जो जिस भाषा में बात करने में सहज है उन्हें उसी भाषा में बात करने देनी चाहिए, किसी पर फोर्स नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भी। एक यूजर ने लिखा कि इस मुद्दे पर इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पिछले 15 सालों से हिंदी बोल रही हूँ फिर भी मुझे मुंह का मतलब नहीं पता, ये शब्द बहुत इस्तेमाल में नहीं आता। सैफ अली खान आखिरी बार आदि पुरुष में नजर आए थे, प्रभास स्टारर इस फिल्म में उन्हें लंकेश का रोल मिला था। इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था। आने वाले दिनों में NTR जूनियर की पैन इंडिया फिल्म देवरा में नजर आने वाले हैं। अब आप इस वायरल वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, आप इस पुत्र मोह वाले विवाद पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी मेघना ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए ललन टॉप सिनेमा देखते रहिए। शुक्रिया।